उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पकड़ा गया सातिर बदमाश मर्डर अपहरण लूट जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने इस बदमाश के पकड़े जाने से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इसके पास से एक रिवाल्वर भी बरामद की है और कई मामलों का खुलासा भी किया है। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में पिछले कई वर्षों से नासिर और छैनू गैंग के बीच गैंगवार चल रही थी, जिसके चलते जिले की पुलिस भी काफी सतर्क थी। इसी के चलते उत्तर पूर्वी जिले की सीलमपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छैनू गैंग के शूटर नदीम को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम नदीम है उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। ये अपराधी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लूट अपहरण हत्या के अन्य कई मुकदमों में इसका नाम आ रहा था और ये छेनू गैंग से भी संबंध रखता था। इसको गिरफ्तार करने के लिए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक खास टीम का गठन किया था जिसका नेतृत्व हमारे एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल कर रहे थे। कल इस टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अपराधी हमारे इलाके में आएगा और इसी इन्फॉर्मेशन के तहत इसको वहाँ से गिरफ्तार किया। इस अपराधी से हमें एक पिस्टल और दो लाइव एम्युनिशन की बरामदगी हुई है और इससे अभी पूछताछ चल रही है। ये दिल्ली में एक अपहरण और एक मर्डर के मुकदमे में शामिल है और यूपी में दो मर्डर के मुकदमे और एक अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे में शामिल है। इसके ऊपर कल की कार्रवाई के तहत एक आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके ऊपर सीलमपुर का एक मर्डर था जिसमें ये वांटेड था और इसको पीओबी डिक्लेयर कर दिया गया था और मेरठ के भी दो मर्डर के मुकदमे थे जिसमें ये वांटेड था और इसके ऊपर मेरठ ट्रेन से 50,000 रुपए का इनाम भी था। बताया जा रहा है कि यह बदमाश उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई वारदातों को अंजाम दे चुका था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बदमाश पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। बहरहाल पुलिस ने इस बदमाश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।